दोस्त ही नहीं अब दुश्मन देश भी भारत के एहसानमंद हो चुके हैं। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में सबसे आगे रहने वाला चीन आज भारत के आगे झुककर धन्यवाद कर रहा। हिंद महासागर में भारत ने चीन की मदद क्या की, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग फूले नहीं समा रहे और भारत की तारीफ करते दिख रहे हैं। भारत के हर अच्छे में टांग अड़ाने वाला चीन आखिरकार भारत का एहसान मंद हुआ क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल हिंद महासागर में चीन का एक जहाज डूब गया, उसमें सवार 39 लोग लापता हो गए। इनमें 17 चीनी चालक दल के सदस्य थे और 17 इंडोनेशियाई और 5 फिलीपींस के लोग। डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए चीनी नौसेना ने भारत समेत कई देशों से मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने इंसानियत दिखाते हुए भारतीय नौसेना के खोजी विमान को हिंद महासागर में भेजा। बस इसी बात पर अब चीन भारत का मुरीद हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग ने खुद मीडिया को बताया कि चीनी जहाज और चालक दल की खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव और फिलीपींस ने आपातकालीन सहायता भेजी। चीन सरकार इन देशों से मिली सहायता की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार इन देशों से प्राप्त सहायता के लिए उनकी आभारी है। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक डूबे हुए जहाज की तलाश करते समय 2 शव मिले। इन शवों की नागरिकता के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं चीन की नौका हिंद महासागर में डूबने के बाद से ही खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रेस्क्यू ऑपरेशन के आदेश दिए थे। इससे जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया गया कि यह हादसा डिएगो गार्सियो के काफी नजदीक हुआ। इन्हें मछुआरा तो बताया जा रहा, लेकिन क्या डिएगो गार्सिया के इतने नजदीक जाकर मछली पकड़ना संभव है? क्योंकि जहां चीन का फिशिंग वेसल जहाज डूबा, वहां से डिएगो गार्सिया की दूरी 287 नॉटिकल माइल थी, और वहीं बात की जाए हादसे वाली जगह से भारत की दूरी, तो वो 900 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी। हालांकि भारत ने बिना कुछ सोचे समझे चीन की मदद कर दी, लेकिन अभी भी चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत ने हर मौके पर चीन की मदद की, लेकिन चीन ने हमेशा भारत के साथ विश्वासघात किया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।